नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। नया साल और नए साल के साथ पांच राज्य के नए भविष्य की अग्नि परीक्षा, जिसमें एक नाम पंजाब का भी है, क्योंकि पंजाब ऐसा राज्य है जो पिछले साल काफी चर्चा में रहा। क्योंकि सरकार में आया भूचाल हो या पंजाब के किसानों का संघर्ष हो, राजनीतिक सरगर्मी लगातार देखने को मिली। यही कारण है कि इस बार पंजाब की सरकार पर सबकी निगाहें टिकी है, क्योंकि यह देखना दिलचस्प होने वाला है कि जनता फिर से कांग्रेस को मौका देती है या भाजपा को लेकर जनता का दिल पिघला है। हालांकि जनता के मन में क्या है, यह तो 14 फरवरी को तय हो ही जाएगा, क्योंकि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को एक चरण में ही राज्य की 114 सीटों पर मतदान करवा लिए जाएंगे। बता दें कि पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल इस साल फरवरी 2022 को समाप्त हो रहा है। इससे पहले साल 2017 में चुनाव का आयोजन करवाया गया था। अगर हम पिछले चुनाव में आए परिणाम को देखें तो कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी। वहीं अकाली दल भाजपा गठबंधन मात्र 18 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीट मिली थी और इसी के साथ आप पार्टी राज्य मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। यानी कि साफ है कि अगर किसी भी पार्टी को पंजाब में किसी दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना ही होगा, जिसके बाद इस साल होने वाले चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी एनडीए यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसमें भाजपा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल शामिल है। वहीं उनके अलावा लोक इंसाफ पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नवा पंजाब पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, संयुक्त संघर्ष पार्टी और संयुक्त समाज मोर्चा मैदान में उतरने वाले हैं और अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हालांकि पिछली बार सत्ता में बैठने में कैप्टन अमरिंदर सिंह कामयाब हुए थे, लेकिन उनके और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच शुरू हुई लड़ाई के कारण उन्हें अपने पद से हटना पड़ा, जिसके बाद ही चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि कांग्रेस के अंदर हुए इस खेल का असर चुनाव पर पड़ता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सभी दल अपना दमखम जरूर लगाने वाले हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।